वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज नाइन्थ क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। नाइन्थ क्लास और आज अपन जो 2.5 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो अपन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये अपने को आइडेंटिटी यूज करके करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 10। तो देखो, एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। देखो ये सेम ही है, एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे है एक्स प्लस ए, फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है। एक्स प्लस 10 यहाँ पे अपने पास है एक्स प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह दो चाहे आप आइडेंटिटी बोल देना, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स। ये जो आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है आपको ये अप्लाई करना है। और ये देखो, ये और ये जो है ये लगभग सेम है, बस ए और बी की जगह क्या आपके पास 4 और 10 है। तो यहाँ पे अपने को ना इसको इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा प्लस आगे आपको दे रखा ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, ए की तो वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू क्या है 10। तो ए की जगह 4 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो 4 प्लस 10 हो जाएगा। और आगे एक्स आ जाएगा प्लस ए इंटू बी, यानी ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14x, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो आंसर है वो आपको फाइंड करना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपका लगभग ऐसा ही है, एक्स प्लस ए, लेकिन यहाँ प्लस की जगह आगे क्या दे रखा है माइनस। तो माइनस एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो आइडेंटिटी आपको ये यूज़ करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी, ये आइडेंटिटी आपको स्टूडेंट्स यूज करनी है। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी लगभग दोनों सेम है, बस फ़र्क आपका इतना ही है कि यहाँ पे ये दोनों प्लस के थे और यहाँ पे ये दोनों किसके हैं, माइनस के, सॉरी एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा है बच्चों क्या है नेगेटिव है। इसलिए आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए की वैल्यू होगी 8 और बी की वैल्यू क्या रख देना 10 रख देना फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी यानी 8 माइनस 10, ए इंटू बी यानी कि 8 इंटू 10। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस का 2x और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपने पास माइनस का 80। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको होना जिसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। चलो स्टूडेंट्स अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। ये भी आपका वैसे ही है, देखो x प्लस ए और ये यहाँ पे अपने पास x माइनस बी है ना। देखो 3x 3x ये तो दोनों सेम है, तो ये तो हो गए आपके x की जगह और a की जगह 4 हो गया और b की जगह 5 हो गया। और ये आइडेंटिटी अपन ने अभी यहाँ ऊपर इसका फॉर्मूला अपन ने बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला है आपको, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन है आपको इस तरीके से करना है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स की जगह क्या है आपकी बार आपके पास 3x है, तो एक्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 3x लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी 4 माइनस 5 एक्स माइनस ए इंटू बी 4 इंटू 5। ये लो ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू रख दी, अच्छा एक गड़बड़ कर दी अपन ने,
यहाँ क्या है x, और x नहीं है आपकी बार क्वेश्चन में अपने पास x की जगह क्या लिखना है 3x लिखना है, तो यहाँ आपको 3x लिखना है, केवल x से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 3x लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। 4 माइनस 5, 4 में से अगर आप एक बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट में से माइनस करते हो तो आंसर किसका आता है, नेगेटिव आता है। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, और 5 4 20, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 × 1 क्या होता है 3 होता है। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, इस तरीके से आपको आंसर देना है, आई थिंक यू आर गॉट इट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, इस पे ध्यान दो, इसको पढ़ो क्वेश्चन को क्या है। तो लगता है स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है, अब इसको देखते हैं अपन। यहाँ थोड़ा सा ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन किए थे उनसे अलग था, अलग है, अलग कैसे, डिफरेंट कैसे, ये वाला यहाँ 8 है तो यहाँ 10 है, तो देखो ये दोनों से अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ 4 था और यहाँ कितना था 10 था, तो ये दोनों में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ फोर्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला अलग है। शुरुआत वाली टर्म भी सेम है और लास्ट वाली टर्म भी दोनों की क्या सेम है, यानी कि ये आपका इस तरीके का फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए और आगे है एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका x प्लस ए और फिर आगे x माइनस वापस के आपका a ही है, b नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, a और b की जो वैल्यू है वो क्या है सेम ही कर। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर आपका ये फॉर्मूला बनता है, छोटा सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला क्या होगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स एक्स की जगह क्या है आपके पास वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह में वाई स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए मैं इस पूरे के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। ए ए के आपके पास 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको पता है पावर की पावर आती है, तो पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को 2 से, देखो वाई की पावर कितनी है 2 है और 2 की पावर कितनी है 2 है, तो इन दोनों पावर्स को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपन इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वाई की पावर 2 × 4 होता तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपके पास है ये वैसा ही क्वेश्चन है x माइनस ए और x प्लस ए है ना, शुरुआत के दोनों भी सेम है और लास्ट वाली दोनों टर्म्स भी सेम है। देखो जैसे इसमें था शुरुआत वाली दोनों टर्म सेम थी, लास्ट वाली दोनों टर्म सेम थी, तो x प्लस ए और x माइनस ए, ध्यान में रखना ये चाहे पहले आए और ये वाली बाद में आए, यानी माइनस वाला पहले आए और प्लस वाला बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी आप मेरा वैसे ही कर सकते हो, x माइनस ए पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फॉर्मूला है ना वो आपका यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, फॉर्मूला जो है वो अपन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो स्टूडेंट्स x x की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a a की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर।
इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे इवेलुएट फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी कि आपको ना इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बिना मल्टीप्लाई किए प्रॉपर्टी लगा के ये जो थ्री क्वेश्चन है ये थ्री क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं विदाउट यूजिंग विदाउट डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करें इसको वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 103 और इंटू 107, तो 103 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 3, और 107 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस का 7, इस तरीके से कि 103 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को अपन लिख सकते हैं 100 प्लस का 7। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये दोनों सेम है, तो एक तो हो गया x प्लस a और x प्लस का b, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज करनी है, अपने को ये वाली आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यूज करनी है। तो आप लोग ना ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ देखी, हियर यू कैन सी दैट x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला ये लिखवाया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, यही फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें यूज करना है। मैं चलो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो x, x की वैल्यू क्या है 100, x है ना, x की वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ x का स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। a प्लस बी तो 3 प्लस 7, ये तो पता चल गया होगा आपको, ये आपका a हो गया और ये क्या आपका b, तो 3 प्लस का 7 हो गया। x, x की वैल्यू क्या है आपकी 100 है, तो ये आ गया आपका 100 प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 होगा। तो स्टूडेंट्स 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,000 प्लस 7 3 जा 20। अब आपको इन तीनों को क्या करना है ऐड करना है, देखो 10,000 में अगर आप 1,000 ऐड करोगे तो 11,000 होगा, 10,000 में अगर अपन 1,000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11,000, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 11,021, लास्ट में अपन 21 भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स ये आपका एडिशन के बाद में बन जाएगा 11,021। अब ऐसे ही ना आपको ना प्रॉपर्टी लगा के आइडेंटिटी लगा के आपको उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका इधर ये रहा, 95 को आप लिख देना 100 माइनस, इसको लिख देना 100 माइनस का, ठीक है, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो आप इसको ना चलो 100 से कर देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका x माइनस ए और x माइनस का बी, इसका आपको मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखवाई है, इसकी अभी तक अपन ने आइडेंटिटी लिखी नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं था सामने और ना ये फॉर्मूले में दे रखा था। तो एक काम करते हैं, इसकी आइडेंटिटी मैं अब लिखवा देता हूँ आपको, आप ना फिर नोटबुक में साथ में इसकी आइडेंटिटी लिख लेना। देखो ये वाली आइडेंटिटी थी, इसमें तो दोनों प्लस थे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक जो आइडेंटिटी अपन ने यहाँ यूज की थी इसमें एक्स प्लस ए एक प्लस का था, दूसरा क्या था माइनस का था, लेकिन अब जो आइडेंटिटी अपने सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये दोनों ही क्या दे दिए माइनस के दे दिए, तो जब दोनों ही माइनस के दे दिए तो फिर अपन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेट्स सी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के लिए माइनस आएगा, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए, ये फॉर्मूला है ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर करना है, अच्छा अगर आप चाहो कि भाई सर ये आइडेंटिटी तो 3 तरीके की होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं इसको ना डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, पहले अपना आइडेंटिटी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ना इसी फॉर्मूले से
भी अपने ना इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोनों माइनस, उसमें ना आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। एक बार इसको ऐसे कर लूँगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या 100 है, तो 100 का स्क्वायर, ए प्लस बी 5 + 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका 100 प्लस ए इंटू बी यानी कि 5 × 4, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। अब आगे आप लोग ना सेल्फ है ना सोल्व कर लेना, इन दोनों को ऐड कर देना, तो इसका मल्टीप्लाई करके और आगे इसको सोल्व कर लेना, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना, प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग सेल्फ करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने पास क्वेश्चन, ये आपको दे रखा 104 × 96, तो 104 को अपन लिख सकते हैं 100 + 4 और आगे 96 को अपन लिख सकते हैं 100 - 6। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, तो इसको मैं दोनों को मान लेता हूँ x, x प्लस ए और x माइनस का b, सेम ही भी पीछे जो जैसे किया था वही है, इसमें एक प्लस का हो गया और दूसरा किसका हो गया माइनस का। देखो ये अपन ने किया था, अगर है ना आपको आइडेंटिटी याद नहीं है ना तो आप है ना एक प्लस वाली आइडेंटिटी है ना वो याद कर लेना। जैसे प्लस वाली आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी एक्स प्लस का ए। ये प्लस वाली आइडेंटिटी है ना इसी से काम बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स की वैल्यू क्या 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए, तो ए की जगह आप क्या लिखोगे प्लस का 4, प्लस में आगे क्या है बी, बी बी की जगह आप लोग स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ना बी बी के अगर आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हो प्लस वाली, तो बी की जगह आप क्या लिखोगे माइनस का 6, साइन जो है ना 6 का वो भी आपको साथ में ले लेना है, प्लस ए इंटू बी, तो यानी कि ए और बी को क्या करना है मल्टीप्लाई। अगर आपको ये तरीका डिफिकल्ट लग रहा है तो ये ऊपर जो आइडेंटिटी लगाई थी ना एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी की ये आइडेंटिटी होती है, ये डायरेक्ट लगा देना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्ट है ना ऊपर वाली आइडेंटिटी है ना ये वाली लगा के अब आगे यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये वाला आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा छोड़ देना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से आप लोग कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन जो 3 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है कि फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी यूज करके आपको ना इसका फैक्टर करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ना इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करके आपको ना इसके फैक्टराइज करने हैं, डायरेक्ट फैक्टराइज मत कर देना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, मैं सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन वी है, यहाँ अपने को दे रखा है 9x² प्लस 6x × y प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो 9x² को आप लिख सकते हो 3x² प्लस, कि 3x² क्या होता है 9x², अच्छा 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, देखो 3 × 2 जा क्या होता है 6 और एक्स वाई जगह एक्स वाई, वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आपका होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको ना स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ करनी है, यहाँ देख सकते हो
ये सेम है, ए का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 2 ए, ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू वाई है, बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। तो आप है ना इसको ना यहाँ से इसमें आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आप है ना, ये वाली जो है ना, ये वाली और ये वाली जो है, ये दोनों आपको क्या दे रखी है, लगभग सेम दे रखी है। तो यहाँ देखो ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो चलो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए की वैल्यू है 3x, बी बी की वैल्यू क्या है वाई। यहाँ देखो ए प्लस के बाद में क्या लिखना, बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी वाई। तो ये हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बस इतना ही काम करना है। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आई थिंक यू कैन डू दैट। इस तरीके से आप है ना इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आगे का जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में आपको देखो ऐसा कुछ इसमें भी है, 4y का स्क्वायर है, इसको आप देख सकते हो 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y, 4 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2y, और प्लस में क्या आगे 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। देखो 1 और या 1 का स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ होती है, चाहे आप 1 लिख दो चाहे आप इसको 1 का स्क्वायर बोल दो, एक ही बात। ये भी एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ये आपको मैंने पहले लिखवाई थी, आइडेंटिटी मैंने ये लिखवाई थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के बारे में अपन ऑलरेडी जो है स्टूडेंट्स, अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। तो देखो ये भी आपको पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन क्या था ना, वैसे आपको सॉल्व करना है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ इसमें लिख देंगे अपन, ए की जगह क्या लिखेंगे 2 है, माइनस बी, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो अपन यहाँ राइट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर को आप देख सकते हो, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को आप देख सकते हो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स एक्स प्लस ए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इसका फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ अप्लाई कर सकते हो, देखो एक्स का स्क्वायर, देखो ये रहा एक्स का स्क्वायर माइनस, तो माइनस ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या आपके पास वाई अपॉन 10 है, तो आप इसको ना इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, तो अपन इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स है, माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10, फिर एक्स, एक्स की जगह आपका एक्स है, प्लस ए, ए की जगह क्या हो जाएगा वाई अपॉन 10, बस ये इसके फैक्टर हो गए। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपको क्या करना है सोल्व करना। अच्छा ये करने के बाद अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सपेंड ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी लगा के आपको एक्सपेंड करना है। तो इसमें आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस तरह की आइडेंटिटी अपन ने सोल्व की थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दो, शायद मैंने आपको ए प्लस बी प्लस सी लिखवाया था, अब याद नहीं, ए की बात है चाहे कुछ भी लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह दो, से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कह दो, ये फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस का टू सी। इस तरीके से ना आपको ना स्टूडेंट्स इसको राइट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इस तरीके से ना आपको राइट करना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर, तो देखो ये ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं ना ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी आपको मैं इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स है ना, ए किसी के, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है टू वाई, तो टू वाई का स्क्वायर। सी की वैल्यू है फोर जेड, तो फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू टू वाई है, प्लस टू इंटू बी सी। बी की वैल्यू टू वाई और सी की वैल्यू फोर जेड। सी की वैल्यू क्या है फोर जेड और ए की वैल्यू क्या है एक्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप है ना इसको लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना करने के बाद में आगे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर क्या होता है फोर वाई का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन जेड स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो टू टू ज़ा क्या हो जाएगा फोर एक्स वाई। इसको सोल्व करेंगे तो फोर टू ज़ा एट और एट टू ज़ा सिक्सटीन, तो सिक्सटीन वाई जेड। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो फोर टू ज़ा एट और जेड एक्स। ये आपका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपको क्या करनी है सॉल्व करनी है, और इस तरीके से आप है ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे आप नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आप है ना वो आइडेंटिटी लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी। ये आइडेंटिटी आपको पहले राइट करनी है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ए बी सी, चलो ए बी सी तो है लेकिन यहाँ आपके पास प्लस की जगह क्या है माइनस है। तो जब भी आप b की वैल्यू लिखोगे ना, जहाँ जहाँ आप b की वैल्यू लिखोगे तो a की वैल्यू तो लिख देना 2x, लेकिन b की वैल्यू है ना वो आप केवल y मत लिखना, क्या लिखोगे माइनस का y। और c की वैल्यू क्या रख देना जेड। अब इस पूरे फॉर्मूले में आप आँख मीच के ए बी सी की जो मैंने यहाँ वैल्यू रखी है लिखी है ना, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। देखो ऐसे पहले क्या a का स्क्वायर, a की जगह क्या लिखेंगे 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर। टू ए बी, तो टू इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है टू एक्स, बी बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, प्लस टू बी सी माइनस वाई इंटू जेड, प्लस टू सी ए, सी की वैल्यू जेड है और ए की वैल्यू क्या है टू एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ना ये जो वैल्यू है वो आपको राइट, ये वैल्यू है ना वो आपको राइट करनी है। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इतना करने के बाद में अपन बात करते हैं टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस टू टू का क्या हो जाएगा फोर। अच्छा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, फिर वापस प्लस माइनस, माइनस में आ जाएगा टू वाई जेड। फिर इसको सॉल्व करोगे तो टू टू ज़ा फोर जेड एक्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये पढ़ना है। अब आगे वाला है ना, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करोगे, मैं इसमें थोड़ी सी हिंट है वो आपको दे देता हूँ। ए की जगह तो आप रखना माइनस का टू एक्स, बी की जगह रख देना थ्री वाई, सी की जगह रखोगे टू जेड। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला ये लगाना है। बस ध्यान रखना जहाँ जहाँ आपके पास ए है ना, ए के साथ आपको माइनस का 2x भी लिखना है। और ध्यान रखना माइनस का जो स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर वो क्या लिखना, आपको हमेशा प्लस लिखना है। तो ये आप लोग कर लेना। इसके बाद में आगे वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग चाहो तो सेल्फ कर सकते हो कि भाई a की जगह क्या लिखोगे 3a, b की जगह क्या लिखोगे माइनस का 7b, c की जगह क्या लिखोगे माइनस का c। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, वही काम आपको इसमें करना, वही काम आपको इसमें करना। तो ये आप लोग सेल्फ कर लेना ये 6 क्वेश्चन तक। अगर किसी बच्चों को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज लिख के मेरे को भेज देना, मैं उसका वीडियो लेसन बना के जब नेक्स्ट जब वीडियो आएगा ना
परसों जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ना मेरे को एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख के वापस भेज दिया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे, सर इस एक्सरसाइज का ये वाला जो क्वेश्चन है वो वापस करवाना है, तो मैं ना उसका वीडियो लेसन बना के वापस आपको समझा दूँ। अब ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप लोग करना, घर पे सॉल्व नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज छोड़ देना, बाकी मैं देख लूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।